स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद इब्न खान ने कहा कि 9 मई के मुजरमान ने कौमी झंडे को आग लगाई, मसाजिद और घरों को जलाया गया, इनके मुकदमात स्पेशल कोर्ट जाने चाहिए। खबर वक्तों कौमी गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं हूँ, 27वीं यानी तरमीम की ज़रूरत हुई तो सब मिलकर बैठेंगे। बोले सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर बोझ बन रहा है और सियासी जमातों को इस मामले पर नज़रसानी करना होगी। क्या आपको एक टेस्ट केस समझता हूँ फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई नहीं होना, अनप्रेसिडेंटेड वाक्य है दुनिया की तारीख में, इस तरह का हमला अपनी अफवाज के ऊपर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस लेटर की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई उनका वो जो एक लेटर जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा की जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की परफॉर्मेंस पर कोई उन्होंने बात की होगी। मैंने उस खत का मुताला नहीं किया, अनलेस मैं उस खत को पढ़ लूँ मैं उसको बात करने से कासिर हूँ। पार्लियामेंट ने जो ये तरमीम की है दुरुस्त सिंत में कदम है, 27वीं तरमीम की कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो फिर उस पर हम तफसील से बात कर लेंगे। सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क की मईशत तरक्की कर पा रही है या खुदा ना खास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इस मईशत के ऊपर बोझ पड़ रहे हैं, इस पर भी सियासी जमातों का गौर करना एक लाजमी जुज है। क्या आपको एक टेस्ट केस समझता हूँ फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई नहीं होना, अनप्रेसिडेंटेड वाक्य है दुनिया की तारीख में, इस तरह का हमला अपनी अफवाज के ऊपर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस लेटर की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई उनका वो जो एक लेटर जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा की जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की परफॉर्मेंस पर कोई उन्होंने बात की होगी। मैंने उस खत का मुताला नहीं किया, अनलेस मैं उस खत को पढ़ लूँ मैं उसको बात करने से कासिर हूँ। पार्लियामेंट ने जो ये तरमीम की है दुरुस्त सिंत में कदम है, 27वीं तरमीम की कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो फिर उस पर हम तफसील से बात कर लेंगे। सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क की मईशत तरक्की कर पा रही है या खुदा ना खास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इस मईशत के ऊपर बोझ पड़ रहे हैं, इस पर भी सियासी जमातों का गौर करना एक लाजमी जुज है। क्या आपको एक टेस्ट केस समझता हूँ फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई नहीं होना, अनप्रेसिडेंटेड वाक्य है दुनिया की तारीख में, इस तरह का हमला अपनी अफवाज के ऊपर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस लेटर की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई उनका वो जो एक लेटर जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा की जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की परफॉर्मेंस पर कोई उन्होंने बात की होगी। मैंने उस खत का मुताला नहीं किया, मैं उस खत को पढ़ लूँ मैं उसको बात करने से कासिर हूँ। पार्लियामेंट ने जो ये तरमीम की है दुरुस्त सिंत में कदम है, 27वीं तरमीम की कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो फिर उस पर हम तफसील से बात कर लेंगे। सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क की मईशत तरक्की कर पा रही है या खुदा ना खास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इस मईशत के ऊपर बोझ पड़ रहे हैं, इस पर भी सियासी जमातों का गौर करना एक लाजमी जुज है।